हे गाइस, मेरा नाम सरिता है। मैंने जेम 2020 दिया था। अभी आईडीज ने 29 जून को अपनी फर्स्ट लिस्ट अलॉट की, उसमें मेरे को आईटी भुवनेश्वर मिला है। और वो भुवनेश्वर मुझे आईटी मुझे जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स इंस्टीट्यूट की वजह से ही मिली है। मैं अपना पूरा का पूरा क्रेडिट फिजिक्स इंस्टीट्यूट को देती हूँ। इवन मेरा तो कोई रोल ही नहीं था फिजिक्स इंस्टीट्यूट की वजह से। इवन मेरा तो 5% रोल था, फिजिक्स इंस्टीट्यूट की वजह से ही मेरा रिजल्ट हुआ है। एंड जैसे उनके पढ़ाने के सबके डाउट होता है कि सबके माइंड में चलता है कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो मतलब पढ़ाने के तरीके की बात की जाए तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो उनके रिजल्ट्स बोलते हैं। रिजल्ट्स जैसे पिछली बार देखा जाए तो जेस में ऑलरेडी नियर एक थर्ड थी। एंड आईआईटीज में देखे तो 90+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार 100+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ आईआईटीज पहुंचाया। 250 में से 2-3 हजार बच्चों में से 150 बच्चे पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 250 बच्चों में से आधी से ज्यादा बच्चों को आईआईटीज पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। ग्रस्त तो ढाका जी सर में ही हो सकते हैं।